को समय पे याद करते हैं तो ये कदापि बुरा नहीं समझिएगा। आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ अंधेरे में याद आती है। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपकी वैल्यू बहुत लोग नहीं समझते। आपको ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है किसी की नजर में। चलिए आज इसी पे बात करता हूं। आपको अंत तक ये वीडियो आपको समझने पे मजबूर कर देगी कि आप वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, एक लड़के की ब्रेकअप हो जाती है। ब्रेकअप के बाद वो बहुत ही टूटा हुआ है और किसी चीज में उसकी इच्छा नहीं होती है। उसके पिता बहुत परेशान रहते हैं और परेशान रहने के दरमियान उन्हें एक सूझबूझ से काम लेने की इच्छा हुई। उन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल सा घड़ी लेके आए और उस अपने बेटे को देकर बोला कि देखो ये घड़ी है, इस घड़ी को तुम बगल वाले दुकान पे जाओ और उस पे उसका कीमत पूछ के आओ। लड़का जाता है वहां पे, कीमत जाके पूछता है तो बोलता है कि इसकी कीमत मात्र 500 है पिताजी। पिता हंसते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम अपनी इस एरिया के सबसे प्रतिष्ठित दुकान पे, घड़ी के दुकान पे जाओ और उसकी कीमत पता करके आओ। वहां जाता है तो वो उसकी घड़ी की कीमत 1500 बताते हैं। लड़का दौड़े दौड़े आता है, पिता से बोलता है कि पिताजी वहां तो 1500 रुपये बता रहे हैं। फिर बोलते हैं कि ठीक है, इस शहर में एक म्यूजियम भी है, वहां पे तुम जाओ और इस घड़ी का कीमत वहां पता करके आओ। लड़का जाता है उस म्यूजियम में, म्यूजियम में वाले देख के घड़ी को कहते हैं, अरे ये घड़ी तो बहुत एंटिक पीस है, इसकी कीमत तो लगा ही नहीं जा सकती, जितना बोलेंगे उतना इसकी कीमत हो सकती है, लाखों में इसकी कीमत हो सकती है। लड़का आश्चर्यचकित होता है और बैरन अपने पिता के पास आके बोलता है, पापा ये तो बेसकीमती है, इसकी कीमत बहुत ही म्यूजियम वालों ने अलग लगाई है और ये बोले कि तो एंटिक है। पिता हंसते और बोलते हैं कि बिल्कुल, तुम्हारी कीमत वही समझ सकते हैं जो तुम्हारे लायक है। तुम्हें अपनी कीमत वैसे लोगों के पास जाके दिखाने की जरूरत नहीं है जहां आपकी वैल्यू समझने वाले लोग हैं ही नहीं। आप किसके पास जा रहे हैं ये मैटर करता है। आपकी वैल्यू वही पहचानेंगे जो कि मंझे हुए खिलाड़ी होंगे। जौहरी के पास ही हीरे की सच्ची कदर होती है। आप तुम बिल्कुल ही एक हीरे की तरह हो और तुमको अपनी वैल्यू जाननी है। सिर्फ एक ब्रेकअप से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो और बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे कुछ कर सकते हो। लड़का समझदार था, समझ गया और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा। मित्रों, हमारी भी वैल्यू किसके पास आंकी जा रही है ये मैटर करता है। आप किसके पास जा रहे हैं वो अपने लेवल से ही आपकी वैल्यू लगाएगा। अगर वो अपने माइंडसेट के अनुसार आपकी वैल्यू लगाता है तो आप घबराइए मत, वहां से बैरन वापस जाइए, तुरंत जाइए, क्योंकि वो आपके लायक है ही नहीं प्लेस। तो जैसी वैल्यू आपकी है वैसे लोग मिल भी जाते हैं, आपकी वैल्यू के अनुसार लोग आपको सम्मान भी देते हैं, क्योंकि वैल्यूएबल लोग वही हैं जो कि बहुत ही ऊंचे लेवल पे होंगे। तो आपकी वैल्यू अगर पहचाननी है, आपको अपनी वैल्यू जाननी है, तो वैसे लोगों के पास जाएं जिनकी आपकी कद्र है, जो आपकी कद्र करना जानते हैं, जो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वहां पे जाइए। वैसे लोगों के पास नहीं जो कि आपको आपकी कद्र से बहुत छोटा महसूस कराए। निस्संदेह आप इन लोगों से दूरी बना के रखें और आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न करें। सतत प्रयास से आपकी वो चीजें मिल सकती हैं जो कि आपकी इच्छा है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को, इस कही हुई बात से एक आदमी का भी हृदय परिवर्तन होता है, दिमाग परिवर्तन होता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी। और बस यही कहूंगा लास्ट में इस वीडियो के माध्यम, कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल आपके जैसा। धन्यवाद, जय।